वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और आज हम आए हैं सामने, आप जैसे कि देख रहे हैं, गुलशन डायनेस्टी सेक्टर 144। इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसा कि सभी लोग आप जानते ही हैं, प्लॉट्स की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्लॉट्स का ध्यान रखते हुए मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। अभी का हाल जानेंगे, 144 145 क्या अभी आप रह सकते हैं, क्या यहाँ पर स्टेटस है और क्या यहाँ का अभी का रेट चल रहा है, और कब तक यहाँ की जो जैसे आप देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, अभी कितना टाइम और समय लगेगा यहाँ पर अभी कंप्लीट तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म होने में, फिनिश होने में। तो ये मेन पॉइंट है यहाँ का गुलशन डायनेस्टी, जो कि सेक्टर को लग्जरी बनाता है। वो लग्जरी क्यों बनाता है, क्योंकि प्राइज ही स्टार्ट होता है अबाउट 6 CR ईच फ्लैट। जी हाँ, ये 45 मीटर रोड्स और ये टू साइड कॉर्नर प्लॉट है गुलशन डायनेस्टी का। और यहाँ से जैसे ही आप देखेंगे तो ये सामने जो रोड जा रहा है वो जा रहा है सेक्टर 145। तो ये सामने आप देख रहे हैं गुलशन डायनेस्टी का प्रोजेक्ट है, और इसी के बराबर में गुलशन पॉटनिया जो कि रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। तो करेंगे बात सेक्टर के करंट स्टेटस की, 144 को अंदर से भी देखेंगे, 145 का भी स्टेटस अभी का देखेंगे, क्या यहाँ पे अभी लेना चाहिए या कुछ वेट करना चाहिए, क्या रेट में अभी और इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर ऑलरेडी यहाँ पर रेट जो है अपने उस लेवल तक जा चुके हैं। तो चलेंगे देखेंगे पहले 145 को। जैसा कि मैंने आपको बताया, 145 सेक्टर जहाँ पर अभी अथॉरिटी काम कर रही है, काफ़ी समय से उस पर इशूज़ भी चल रहे हैं जैसे आपको पता ही है। और ये साइड में आप देख रहे हैं पुस्ता रोड, और जैसे ही आप ये 45 मीटर से टर्न लेते हैं तो सामने आपको दिखता है 145 सेक्टर। इसमें आप देखेंगे तो कुछ बिजली के खंभे और पानी की टंकी का काम, और ये जो आप देख रहे हैं डंपिंग हाउस के ट्रक आते हुए। तो ये यहाँ तक अभी रोड बना हुआ है, आगे अभी कुछ काम नहीं हुआ है। तो अभी की स्थिति है यहाँ की सेक्टर की 145 की है कि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, खाली खाली। बट यहाँ के रेट फिर भी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं ये मेट्रो यहाँ से दिखाई देता है, और ये डंपिंग के ट्रक का आना जाना यहाँ पर लगा ही रहता है। करेंगे बात अभी के रेट की, क्या रेट चल रहा है 145 में, और ये आ जाता है 144 गुलशन बोटनिया। जी हाँ, रेडी टू मूव है यहाँ, 2 BHK 3 BHK ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे सेल या परचेज करना चाहते हैं बोटनिया में तो आप कॉल कर सकते हैं। और ये आ जाता है गुलशन डायनेस्टी, जो कि 6 करोड़ से एक फ्लैट की कीमत है। अब चलते हैं सेक्टर 144 का हाल देखते हैं कैसा है अभी अंदर से, 144 कितना कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से एंट्री इसमें होती है, और आप देख रहे हैं कि दिन में पानी छिड़का जाता है सड़कों पर क्योंकि धूल ही इतनी उड़ती है। उस धूल मिट्टी को दबाने के लिए पानी का छिड़काव होता है पूरे सेक्टर में, ताकि धुआं धुआं ना हो, धूल मिट्टी ना हो ज़्यादा। तो ये सेक्टर है, इसमें आप देखेंगे ऑलमोस्ट लोगों ने बना भी दिया है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, लोग रह रहे हैं बट लिमिटेड ही लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जो रेट वो 1 लाख रुपए से ऊपर का रेट चल रहा है छोटे प्लॉट का, और जो बड़े प्लॉट हैं वो 90,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के आसपास का रेट चल रहा है 144 में। 145 में 80,000 रुपये से स्टार्टिंग आपको चीज़ें मिल जाती हैं अप्रोक्स, बट समय लगेगा अभी यहाँ पे डेवलपमेंट होने में, अभी टाइम लगेगा। मेट्रो इसके पास में है 144 145, IT सेक्टर भी पास में है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे क्राउड देखने को मिलता है। अदरवाइज़ तो एरिया अभी बिल्कुल ही खाली रहेगा अगर IT पार्क ना होता तो। IT पार्क जब कोविड की सिचुएशन थी तो यहाँ पे जीरो, कोई भी क्राउड नहीं था, बट अब ऑफिसेज खुल चुके हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पे क्राउड देखने को मिलता है। तो ये हमने पूरा जो राउंड लगा लिया है 144 से लेके 145 का, तो अभी का स्टेटस है ये। अगर आप यहाँ पे कोई प्लॉट ख़रीदना या बेचना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर, और आप विज़िट भी कर सकते हैं। चीज़ें हैं अवेलेबल, लिमिटेड टाइम के लिए चीज़ें आती हैं, सेल हो जाती हैं। अगर आप भी यहाँ पे सेल या परचेज करना चाहते हैं अपना कोई प्लॉट तो कॉल कर सकते हैं। और ये सामने जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है सीधा मेट्रो 144। थैंक यू।